तो फाइनली गाइस हमारे फ्री फायर के अंदर आ चुका है OB32 का अपडेट और बहुत सारे चेंजेस कर दिए इन लोगों ने। भाई साहब पता नहीं हमारे फ्री फायर के साथ क्या क्या करते हैं हर ओबी अपडेट के बाद में। तो हर बार की तरह इस बार भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं हमारे फ्री फायर के अंदर में, और हर बार की तरह एक बहुत बड़ा इवेंट भी आने वाला है, एक बहुत बड़ा कोलेबोरेशन हुआ है फ्री फायर का, जिसके रिवॉर्ड्स भाई साहब आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, क्या क्या चेंजेस हुए हमारे फ्री फायर के अंदर में अपडेट के बाद, जो बहुत बड़ा कोलेबोरेशन हुआ है उसका इवेंट वगैरह, उसके रिवॉर्ड्स वगैरह क्या क्या मिलने वाले, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो के अंदर एकदम फुल डिटेल के साथ। तो इसीलिए आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, तो शुरू से लेकर एंड तक देख लेना, और देखोगे तो मेरे को ही कुछ मेरे कुछ भला कर दो, लाइक वाइक कर दो। और एक बात, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, गुस्से में बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले हम जैसे गेम ओपन करते हैं यहाँ पर कुछ बैनर वगैरह आता है, न्यू पेथ हाईलाइट्स, यहाँ पर कौन सा न्यू गन, कौन सा मैप वगैरह क्या कुछ आया, सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया। और उसके बाद में अगर सबसे पहला चेंज देखा जाए तो यहाँ पर हमारा जो लोबी है वो हो चुका है बिल्कुल चेंज, और काफी सही लोबी है, मतलब बारिश भी हो रहा है, टिप टिप बरसा पानी भी हो, काफी सही लग रहा है देखने में। और ये उसी कोलैबोरेशन के थीम पे बनाया गया है, उसका नाम क्या है, बीट स्क्वाड, उसके साथ में फ्री फायर का कोलैबोरेशन हुआ है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले तो गोल्ड रॉयल, भाई गोल्ड रॉयल का न्यू बंडल आया है कि नहीं? नहीं आया, मतलब आज रात 12 बजे के बाद में आएगा, मैंने बताया था तुमको, अपडेट के बाद में आ सकता है, फिर रात के 12 बजे के बाद में आएगा, तो कल आने वाला है। और उसके बाद में FF टोकन का स्टोर देखते हैं भाई, वहाँ पे कौन सा न्यू बंडल आया। तो ये फीमेल का बंडल आया, मैंने आप लोगों को कल दिखा दिया था, तो यही वाला बंडल आया है, तो जल्दी से इसको निकाल लो, लूट लो भाई, फ्री का बंडल है। और उसके बाद में अगर हम इवेंट वाले सेक्शन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल न्यू इवेंट आ चुका है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले से बता दिया था, इवेंट का कैलेंडर भी दिखा दिया था। तो फाइनली इवेंट आ चुका है और यहाँ पर सारे रिवॉर्ड्स वगैरह मिल रहे हैं, कैरेक्टर फ्री में मिल रहे हैं। और ये जो चीज है, ये क्या है, बैकपैक का स्किन है। हाँ, मैंने बताया था ना, बैकपैक का स्किन जैसा लग रहा था थोड़ा थोड़ा, फाइनली ये बैकपैक का स्किन ही निकला। उसके बाद में यहाँ पर कुछ कैरेक्टर वगैरह फीमेल के कैरेक्टर फ्री में मिलने वाले हैं, अभी मिले नहीं है लेकिन मिलेंगे बहुत जल्दी। इनमें से आप किसी एक कैरेक्टर को फ्री में ले सकते हो, तो अगर तुम लोग बोलोगे तो वीडियो बना के बता दूंगा कौन सा कैरेक्टर अच्छा है, कौन सा कैरेक्टर आप लोगों को लेना चाहिए। अगर आप लोगों को जानना है, वीडियो देखना है, कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर बताओगे तभी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ऐसी नहीं बनाऊंगा, तो जल्दी से जाकर कमेंट सेक्शन में बता दो, 10,000 कमेंट आ जाते हैं तो वीडियो पक्का। और यहाँ पर काफी सारे रिवॉर्ड्स वगैरह मिल रहे हैं इस इवेंट के, उसी के साथ में ये फीमेल का बंडल, ये भी हम सभी को फ्री मिलने वाले टोकन के बदले में, तो इसको भी क्लेम कर लेना, बहुत जल्दी हम सभी को फ्री मिल जाएगा। मैंने तो इस इवेंट के बारे में फुल डिटेल के साथ में ऑलरेडी बता दिया है। और 26 जनवरी का इवेंट भी यहाँ पर आ चुका है, रिपब्लिक डे का इवेंट, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, ये फेस पेंट का स्किन स्पेशली मिल रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से पहले भी हमको फ्री मिल चुका है, फिर से मिलने वाला है। और उसी के साथ में कस्टम रूम कार्ड वगैरह, बहुत सारे रिवॉर्ड्स वगैरह मिलने वाले हैं, तो ये सब रिवॉर्ड्स तो हमको मिलने ही वाले हैं। लेकिन जो इस बार का सबसे बड़ा इवेंट है, जिसका बैनर वगैरह सब कुछ आया हुआ है, उस इवेंट के बारे में अब बात करते हैं। तो गाइस देखो, अभी जो फ्री फायर के अंदर बैनर वगैरह दिख रहे हैं आप लोगों को, वो कोई इवेंट का नहीं है, मतलब इवेंट ही है, फ्री फायर का एक बहुत बड़े बैंड पार्टी के साथ में कोलैबोरेशन हुआ है, मतलब एक टीम है, म्यूजिक वगैरह बनाते शायद वही है, मतलब बीट वगैरह, उसके साथ में फ्री फायर का कोलैबोरेशन हुआ है बीट स्क्वाड नाम का, और इसका एक बहुत बड़ा इवेंट भी आने वाला है। मतलब देखो क्या सीन है, मैं बताता हूं, ये तो एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन हुआ है, लेकिन इसका इवेंट कोई मेरे हिसाब से नहीं आएगा, मतलब जो इवेंट आते हैं वो फ्री रिवॉर्ड्स वगैरह जो मिलते हैं उसके इवेंट होते हैं, लेकिन इसमें हमको कोई फ्री रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है। मतलब मुझे ऐसा बस अभी एक अपडेट मिला है, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक पता है होने वाला है, मतलब फ्री फायर का कोलैबोरेशन तो है, लेकिन ये फ्री रिवॉर्ड्स वगैरह नहीं मिलने वाले इस इवेंट के अंदर से हमको, कोई जितने भी रिवॉर्ड्स है सब कुछ हमको डायमंड के बदले में मिलेंगे, मतलब वो इवेंट वगैरह के अंदर से मिलेंगे, इसीलिए अगर देखा जाए तो हमारे कोई काम का इवेंट नहीं है। अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा नहीं है, फ्री का इवेंट आएगा तो देखते हैं, मतलब उसका तो कोई अपडेट मुझे नहीं मिला, लेकिन अभी मुझे यही पता चला, अभी बिल्कुल कंफर्म पता नहीं चला, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि नहीं मिलने वाला है कोई भी रिवॉर्ड नहीं। मतलब दूसरे तो बहुत बड़े बड़े इवेंट आएंगे, अभी होली का इवेंट आने वाला है, और भी बहुत सारे इवेंट वगैरह आने वाले, मैंने बताया था धोनी के साथ कोलैबोरेशन वगैरह होने वाला है, उसके अंदर से हमको फ्री में रिवॉर्ड्स मिलेंगे, लेकिन इस इवेंट के अंदर से जो अभी बीट स्क्वाड के साथ में जो कोलैबोरेशन हुआ है, जिसका बैनर वगैरह और गेम जैसे हम ओपन करते हैं, काफी डेंजर एनिमेशन आता है, तो वो सब मतलब फ्री में हमको इस इवेंट के कोई भी रिवॉर्ड्स वगैरह नहीं मिलने वाले, सब डायमंड के बदले मिलेंगे, मुझे ऐसा बस अपडेट मिला, मैंने तुम लोगों को बता दिया, लेकिन अब आगे देखते क्या होता है। और देखो फ्री में तो हमको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले, लेकिन इस इवेंट के अंदर से नहीं मिलेंगे, जो अभी मतलब बैनर वगैरह आया है, बहुत बड़ा इवेंट तुम लोगों को लग रहा होगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन टेंशन मत लो, बहुत सारे रिवॉर्ड्स हमको फ्री में मिलने वाले हैं, लेकिन इस इवेंट के अंदर से नहीं मिलेगा, ठीक है, ये कोई फ्री वाला इवेंट नहीं है मुझे जहां तक लग रहा है, बाकी देखते क्या होता है। लेकिन कोलैबोरेशन तो बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन हमें उससे क्या, फ्री में तो कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, या फिर फ्री रिवॉर्ड्स मिल भी सकता है उसके बारे में जैसे मुझे पता चलेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी अभी जो कुछ भी था मैंने आपको सब कुछ फुल डिटेल के साथ बता दिया। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना, और चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो गाइस यार मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।